न्यूनतम मजदूरी, प्रोत्साहन भत्ता व सुरक्षा बीमा नहीं मिलने पर नाराज सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी है। नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्ड के 150 सफाई कर्मियों के द्वारा जारी आंदोलन दिन ब दिन उग्र रूप लेता जा रहा है और उनको रामगढ़ के विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त होता जा रहा है, जिससे उनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उनके मांग को जायज बताते हुए उनके समर्थन में आगे आई है, उसी के तहत आज स्थानीय विधायक ममता देवी का भी सफाई कर्मियों को समर्थन प्राप्त हुआ। इसके तहत स्थानीय विधायक सफाई कर्मियों द्वारा दिए जा रहे धरने के स्थल पर पहुंची और उनका उत्साह वर्धन करते हुए इनके मांगों को जायज ठहराया और इन्हें समर्थन देते हुए इनके मांगों को पूरा करने की बात कही, जिसके लिए उन्होंने उपायुक्त से बैठक कर इनके समस्याओं का निदान कराने का हर संभव आश्वासन दिया। न प्रदर्शन में बैठे हुए नगर परिषद के और इसे मुझे जानकारी मिलते ही मैं यहाँ पहुँची। इनकी 3 सूत्री मांगे हैं, जो कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर के हैं, रक्षा बीमा को लेकर के हैं और साथ ही प्रोत्साहन राशि को लेकर के हैं। जिस संदर्भ में मैं अभी सभी सफाई कर्मियों के इनके सीनियर पदाधिकारियों से मैं बात की और इनका ये कहना है कि अगर वार्ता हो तो ये त्रिस्तरीय वार्ता होना चाहिए, जिसमें कि डीसी साहब मुख्य रूप से रहें। और इस संदर्भ में मैं खुद डीसी साहब से अभी टेलीफोनिक बात हुई, उसमें जिसमें कि डीसी साहब आश्वासन दिए कि कल 12 बजे वो बैठक करेंगे, जिसमें सफाई कर्मी के रूप में इनका प्रतिनिधिमंडल रहेगा, साथ ही मैं रहूँगी, यहाँ के नगर परिषद CEO रहेंगे और वार्ड मेंबर के स्थायी समिति के एक मेंबर रहेंगे और इन्हीं के बीच में बैठक होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बैठक हमारा जो आज इस संदर्भ में रखा गया कल, वो सही मायने में एक अच्छा रूप लेगा और इनकी जो भी मांगे होंगी वो पूर्ण होंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपकी मांगे हैं वो मांगे हम लोग पूरी कर सकें, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं हमेशा आप सभी सफाई कर्मियों के साथ मैं खड़ी हूँ। आपकी जो भी मांगे हैं वो पूर्ण हो, यही आशा और उम्मीद है। आपको बता दें कि रामगढ़ नगर परिषद के सभी 32 वार्डों के 150 अनुबंध सफाई कर्मी पिछले 8 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इनके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था पूरे नगर परिषद क्षेत्र में ठप हो गई है, जिससे नगर परिषद क्षेत्र के करीब 1,00,000 की आबादी प्रभावित हुई है। न्यूनतम मजदूरी, प्रोत्साहन भत्ता और सुरक्षा बीमा नहीं मिलने पर ये नाराज सफाई कर्मी अपने 3 सूत्री मांग को लेकर आज 8वें दिन भी नगर परिषद के खिलाफ धरने पर जमे हुए हैं। फिर नहीं तारीख, कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों भाभी जी, और कितने पैसे चाहिए होंगे? भाभी जी, गीता में क्या लिखा है, जो आज आपका है कल मेरा होगा, परसों किसी और का। ये जनाब कुमार बिराजदार सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी परवाह करने वाले करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है